नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। खास खबर में आज बात होगी झारखंड के सियासत में मची हलचल के बीच दल बदल की। शुरुआत बीजेपी को झटके के साथ हुई और फिर जेएमएम ने बीजेपी के कई प्रभावशाली नेताओं को पार्टी में जोड़कर बड़ा झटका दिया है। इसके बारे में पूरा विस्तार से आपको बताएंगे कि किसे नुकसान हो रहा है और किसे कितना फायदा हो रहा है। झारखंड के चुनावी हलचल के बीच दल बदल को लेकर क्या स्थिति बन रही है, उससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कई नेताओं ने कमल छोड़कर तीर धनुष थाम लिया है। जेएमएम ने रातों रात ऑपरेशन चलाकर बीजेपी के बड़े नेताओं को अपने पाले में खींच लिया। इनमें शामिल है पूर्व मंत्री लुईस मरांडी, घाटशिला के पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी गणेश महाली, पूर्वी सिंहभूम के बीजेपी जिलाध्यक्ष बारी मुर्मू और बीजेपी नेता बास्को बेसरा। इन सभी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। लुईस मरांडी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के खिलाफ जीत दर्ज कर दुमका में पहली बार कमल खिलाया था। चर्चा है कि लुईस मरांडी दुमका सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट से चुनाव लड़ने को कहा था। पाला बदलने के बाद लुईस मरांडी ने क्या कहा, जरा वो सुनिए। पार्टी को जो हम इतना लंबा समय दिए और हम कभी रात को रात नहीं माने, अनवरत हम जनता का सेवा करते रहे और पार्टी का कोई भी निर्देश हमने बहुत ही ईमानदारी से पालन किया, बहुत ही ईमानदारी से। लेकिन इस समय जो चुनाव आ गया, तो ऐसे समय में हमको पार्टी ने कहा कि आपको बरहेट से चुनाव लड़ना है, तो जो हम 24 साल से दुमका को समय दिए हैं, तो हम बरहेट में जाके हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। पाला बदलने वालों में गणेश महाली भी शामिल हैं, जो पिछली बार चंपाई सोरेन से चुनाव हारे थे। इससे पहले चंपाई सोरेन के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर चंपाई सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बास्को बेसरा भी जेएमएम में शामिल हो चुके हैं। दरअसल बीजेपी ने चंपाई सोरेन को पार्टी में शामिल कर कोल्हान फतह की रणनीति बनाई है, लेकिन चंपाई सोरेन को घेरने की पूरी तैयारी हो रही है। जहां हेमंत सोरेन ने गणेश महली और बास्को बेरा को आगे किया है, कुणाल सारंगी और बारी मुर्मू भी कोल्हान से ही हैं। इसी तरह सीता सोरेन के जाने से संथाल में जो महिला नेता का अभाव था, उसे लुईस मरांडी के जरिए पूरा करने की कोशिश की गई है। जेएमएम में शामिल होने के बाद गणेश महाली ने चंपाई सोरेन पर निशाना साधा है। जिस तरह चंपाई सोरेन जी ने भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जिस तरह चंद दिनों में आके संगठन को हाईजेक करना, इसके कारण हमने पार्टी से त्याग देकर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्य हमने ज्वाइन किया। और आगे पार्टी जो तय करेगा, पार्टी का जो आदेश होगा, उस आदेश के अनुसार हम लोग आगे काम करेंगे। बहुत लोग आए हैं सरायकेला से, कौन लड़ेगा? देखिए, जब आप हेमंत दा को तय करना किसको चुनाव लड़ाना है, तो हम लोग पार्टी में सम्मिलित हो गए, पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं। आगे दादा का जो आदेश होगा उसको हम लोग पालन करें। बीजेपी के झारखंड चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा इसे महज टिकट न मिलने की नाराजगी करार दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जितनी संख्या में लोगों ने टिकट के लिए आवेदन दिया था, उसके मुकाबले नाराज होने वालों की संख्या काफी कम है। बीजेपी से नाराज होने वाला परसेंटेज बहुत कम है। हालांकि उम्मीदवार बहुत ज्यादा था, हम लोग सोचते थे हम लोग यहाँ आ भी नहीं सकूंगा, धरना धर्मगढ़ होगा, राशि आना मुश्किल होगा। तो मैं ऑफिस में बता भी दिया था कि पहला 3-4 दिन मेरा प्रोग्राम राशि में मत रखो, लेकिन आप लोग देखिए आज तो ऐसा कुछ माहौल नहीं है। तो इसीलिए बार था राय शुमारी में 800 उम्मीदवारों ने टिकट मांगे, लेकिन इतना बड़ा विद्रोह नहीं हुआ। हम सबको शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोगों ने टैग करने का निर्णय किया, सेक्रीफाइस करने का निर्णय लिया। हम पार्टी का ओर से सबको धन्यवाद देते हैं। झारखंड में मुकाबला जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच है। बीजेपी ने पहले चंपाई सोरेन को अपने पाले में किया, तो हेमंत दोबारा के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरे। जेएमएम ने बीजेपी नेताओं को तोड़कर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट,
कशिश न्यूज़।